हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई के गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पुणे मोमिनपुरा में एक ही गोट्स पर, और हमारे साथ एक ही गोट्स के ओनर अकरम कुंभर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम भाई। अकरम भाई, इस वीडियो में आप माशाल्लाह जिंग बताने वाले। जी। तो कितने अवेलेबल है अभी आपके पास? एक बड़ी फीमेल है जी, उसके नीचे दो बच्चे हैं जी, और एक दूसरी फीमेल है, तकरीबन वो 10 से 12 महीने की है जी। जी, ये चार जानवर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। उस्मान ने पकड़े उससे। उस्मान चला गया उसको इधर। तो ये जो सारे जिंग है, ये इसमें मेल कितने और फीमेल कितने? ये सब फीमेल ही है भाई। सारे फीमेल से? सारे फीमेल जी। जी, और इनको कितना वक्त हो गया आपके पास? अभी ये तकरीबन ये जो फीमेल दिखा रहे हैं, ये अपने पास आके 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हो गए आपको आके? तो सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। है सेट है, और ये महाराष्ट्र की है। अच्छा, ये महाराष्ट्र की है जी। अकरम भाई, ये इसके आंख पे थोड़ा सा बाल कम दिख रहे हैं। ये बोलते अपने दोस्त की ब्रीडिंग के पास, ब्रीडिंग की बकरी है घर के जी। जी, तो ये उन लोगों का उनका कि पूरे बाल ही ट्रिम करते हो। ओके ओके। हाँ, ये बाहर से नहीं लाई है। तो ये प्योर सिंग बोलेंगे इसको? हाँ, प्योर सिंग बोलेंगे जी। इसी क्या डेट है बोले आपने? ये अभी 10 से 12 महीने की है जी, और अभी तकरीबन लोड की है अपन, ये इसको 20 दिन हुए लोड करके। किससे लोड किया आपने? अपने पास एक फरी बैंटम था, उससे लोड किया। आपके पास फरी बैंटम था? अगर किसी को तो वीडियो भी दे देंगे अपन जी। जी, तो जैसे कि कोई ये लेना चाहता है तो, और वो आपको वीडियो मांगेगा तो आप दे देंगे ना? वीडियो दे देंगे जी। कितना मांग रहे हैं इसका आप? इसके 15,500। 15,500 उसमें? थोड़ा सा आगे लीजिए ना उसको, उसमें आगे ले जी। ठीक है अकरम भाई, जैसे कि मैंने सुना हो, जैसे कि दो दांत पे जब फीमेल्स आती है तो उसको क्रॉस कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? तो वैसा ही है ना भाई। अभी ये जो है ना जी, तकरीबन 1 साल की होने आई है करीब जी। जी, अपन ने अभी उसको दिखाया बकरा अपने पास आने के बाद, अभी 2 महीने बाद आई थी इस पे। हाँ, तो अपने पास अवेलेबल में फरी बैंटम था जी, तो अपन ने उससे क्रॉस करा दिए थे इसको। तो फरी बैंटम जब क्रॉस करते, तो मैंने सुना कि काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे आते जी। ठीक है, तो इसके 1500 मांग रहे हैं? 15,500। तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा ना? थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके दूसरे फीमेल दिखाते हैं। ये आपकी दूसरी फीमेल है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी दिख रही है, बड़ी साइज़ में, बहुत बड़ी साइज़ में। और दूसरी बात, इसमें कैसा है कि जिंक फीमेल अक्सर एक ही बच्चा देती है जी, ये फीमेल ऐसी है कि 2 बच्चे देती है। अच्छा, 2 बच्चे दिए इसने? हाँ, ये दो के बच्चे हैं जी, और ये अपने घर की बकरी है, अपने दोस्त के पास रखे थे अपन ने। ओके, उनके पास ही ब्रीडिंग किए थे, उधर ही बच्चे हुए हैं, अभी अपने पास लेकर आए अपन। ओके ओके ओके। अगर भाई, ये इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चे देगी? नहीं नहीं, उसकी साइज बहुत एक्सट्रीम साइज बताएंगे उसकी। एक्सट्रीम साइज बताएंगे उसकी? एक्सट्रीम साइज बताएंगे उसकी, क्योंकि इसका पेटी काफी बाहर है अभी। बहुत बहुत बाहर है, खाने पीने के लिए भी बहुत लगता है उसको, खाना भी कम दिए ना, बहुत चिल्लाती हो। माशाल्लाह, काफी अच्छी साइज में फीमेल है। क्या डिटेल है फीमेल की बड़ी? ये फीमेल अभी 6 दांत पर है जी, और अभी खाली है बच्चे, अभी 3-3.5 महीने की हिट पर आई थी जी। उस वक्त वैसा कुर्बानी का टाइम था, तो अपन भी थोड़ा क्रॉसिंग पे ध्यान नहीं दिए थे। ओके, आप आएंगे हिट पे तो फिर कराते हैं उसकी क्रॉसिंग, अगर कोई ऐसा लेना चाहे तो ऐसे दे देंगे। अच्छा, वो तो अकरम भाई, ये बच्चे कितने महीने के? बच्चे अभी 3 से 3.5 महीने के। 3 से 3.5 महीने के, तो चारे पे आ गए? हाँ, चारा वगैरह पूरा खा लेते। पूरा खा लेते? क्या, तो क्या क्या खिलाते आप? जैसे जैसे अपने पास तो सुबह चुन्नी भूसा होती है, फिर उसके बाद तूर दाल का छिलका होता है। ओके, और शाम में फिर कुट्टी भूसा होती है। ओके, अरे बारिश के दिनों में तो अपन ये सूखा ही आइटम ज़्यादा खिलाते जी, जी। गीला चारा नहीं खिलाते जी। मैंने सुना हूँ कि बरसात में सूखा ही खिलाना चाहिए। हाँ, ग्रीन खाते भी नहीं है? खाते भी नहीं है, फिर वो गीला रहने से फेंकने बहुत जाता है। ओके, तो अकरम भाई, ये जो बड़ी फीमेल है कितने मांग रहे आप? बड़ी फीमेल के बताएंगे ना भाई, सब वो पर्सनल में ही दिखाएंगे। अच्छा, पर्सनल में बताएंगे आप? हाँ जी। ठीक है, अगर हम भाई थोड़ा सा बच्चा उठा लीजिए आप, तो काफ़ी अच्छे दिखेंगे आपको, साइज समझ में आती है बच्चे की। माशाल्लाह अगर भाई, ये बच्चा मुझे काफ़ी पसंद है एक्चुअली, बहुत माशाल्लाह बच्चा जी। जी, माशाल्लाह बच्चा भी देखो इसकी जी, और हर चीज से पूरा है बच्चा, ये पूरा कोई चीज में अपन नाम नहीं रख सकते, कंप्लीट जिंग है माशाल्लाह। सिंग देखो आप उसके जी, सिंग भी काफी अच्छे। लास्ट वीडियो में हमने जिंग लाए थे जी। जी, तब आपने बोले थे कि भाई जिंग मैं तो कलर वाले पहली बार ही देख रहा हूँ जी। जी, तो ये अपने महाराष्ट्र में कैसा है, जो भी ब्रीडिंग कराता है ना जी, तो वो फुल व्हाइट फीमेल और व्हाइट मेल से ही क्रॉस कराते, तब जाके ये ऐसे बच्चे आते। ओके, और ये पूरा मार्बल है माशाल्लाह, पूरा पूरा माँ भी देखो उनकी, पूरी अप टू डेट, पूरी आपको कहीं से कुछ अलग नहीं दिखेंगे। एक तो बच्चे भी वैसे ही कॉपी आए हैं ऐसे जी। ये दूसरा बच्चा भी दिखाई ना कम होता जरा।
ये बच्चे के आप सिंग देख सकते हैं, पूरे खड़े सिंगों में आ रहा है ये बच्चा जी, पूरे मार्बल सिंग है, मार्बल सिंग है, पिंक स्किन में, पूरा पिंक स्किन है जी, छोड़ दिया कमेंट। तो आकर भाई ये माँ के साथ में ही बच्चे देने हैं कि अलग अलग दे देंगे आप? अलग अलग भी दे देंगे ना, अलग अलग भी दे देंगे। तो ये अभी चारे पे तो आ चुके हैं, चारे पे तो आ चुके हैं, तो जैसे कि ये बिगर माँ के भी रह सकते हैं ना अभी, बिगर माँ के भी रह सकते। तो बच्चों को तो प्राइस बताएंगे आप? नहीं नहीं, बच्चों के भी प्राइस अभी लास्ट वीडियो में तो अपन ने दिखा दिए थे जी जी। तो इस वीडियो में अभी ये तो फुल व्हाइट है और मार्बल बच्चे थोड़े कॉस्टली रहेंगे। ओके, तकरीबन अभी ये बच्चे अपन 18-20 हज़ार रुपए के रेंज में देंगे। एक एक बच्चा, एक बच्चा जी। और पिछले बार आपने शायद 16,000 में दिए थे ना, 17,000 में एक बच्चा दिए थे, तो व्हाइट होने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है बोल रहे आप, तो उसका दाम भी बढ़ जाता है। दाम भी बढ़ जाता है। और ये पहली बार अपने घर के बच्चे। ओके, और मैं आपको हर बार बोलता था कि जिंग लाइए, जिंग लाइए। तो जैसे कि हमारे काफी सारे व्यूअर्स को जिंग पसंद होते हैं, जिंग बहुत पसंद जी, तो पालने में भी और माशाल्लाह काफी खूबसूरत होते हैं। और दूसरा तो है कि अपने यहाँ सेट है, महाराष्ट्र क्लाइमेट में तो कोई टेंशन नहीं इनका जी। जी अकरम भाई, खाने पीने हर चीज देखो, बारिश का मौसम है, बारिश में भी फुल टू रुके जी जी, कुछ उनको ये नहीं, कुछ टेंशन नहीं इनका। तो अकरम भाई ये सारे जिंग देखने हैं किसी को तो कहाँ पर आना होगा? ये अपना पुणे में मोमिनपुरा जी, मोमिनपुरा के करीब में कॉर्पोरेशन की 13 नंबर स्कूल है जी, उसी के सामने अपना घर है, उसी के सामने आपका बंगलो है। हाँ, वहाँ पर आ सकते हैं ना। आपका नंबर चेक कीजिए एक बार, 9595111179। ठीक है, जजाक अल्लाह करम भाई। तो अगर किसी को लेना है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में जिंग फीमेल्स बताए आपको सारे, तो ये अगर इसमें इनमें से आपको कोई लेना है तो ज़रूर अकरम भाई को कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।